Yes, students, to my channel Math Standard. Here you are, sorry, questions aapke once again. Sainik School Entrance Examination 2020 Class 9 Maths ke questions mujhe mile hain, jo ki comment box mein kisi bachche ne bhej rakhe hain, theek hai? To uske according iske solutions mein provide karne ja raha hu is video mein. So be with me aur sare questions wagera aap dekh sakte hain yahan inke solutions. Okay, so let us start with the first question. Ye Krishna Yadav koi bachcha hai, usne ye सारी क्वेश्चंस मुझे पोस्ट किए हैं, मींस कमेंट बॉक्स में जो पुरानी वीडियो मैंने अपलोड की थी उसी पे ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने कमेंट बॉक्स में भेजे, एक आध व्हाट्सएप में भी आए हैं. सो वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस. ओके, और लेट अस स्टार्ट. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टीएसए एंड सीएसए ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर. तो टीएसए मींस टोटल सरफेस एरिया और सीएसए मींस कर्व सरफेस एरिया. तो टीएसए क्या होता है सिलेंडर का, आपको मालूम ही है, 2 पाई आर आर प्लस एच, ये हो गया आपका टीएसए. माइनस डिफरेंस निकालना तो घटाना है, इसको क्या घटाना आपने सीएसए 2 पाई आर एच. अगर यहां पे देखा जाए तो 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई आर आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास, आर प्लस एच ये पहले ब्रैकेट में, सॉरी पहले वाले टर्म पे, माइनस सेकेंड टर्म में क्या बचेगा, ओनली एच. तो यहां आप एच से एच कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास, 2 पाई आर इंटू आर, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया. तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट है 2 पाई इंटू 10 का आर, आपका 10 है तो 10 का स्क्वायर, दैट मींस 100, 100 टू या 200, 200 पाई, बाकी पाई की वैल्यू आप पुट अप कर सकते हैं अगर ऑप्शन के हिसाब से, अगर पाई की वैल्यू पुट अप करके आंसर आ रहा तो उसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है. सो दिस विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर हैव सेम पेरीमीटर 40 मीटर इफ डिफरेंस बिटवीन देयर एरियाज इज 9 स्क्वायर मीटर. तो 9 स्क्वायर मीटर हो गई, ठीक है. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल. तो स्क्वायर और रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर है वो सेम है, दैट मींस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड इक्वल टू 40, ये गिवन है. तो साइड आ गई कितनी आपकी, 4 से कैंसिल कीजिए इसको, 10, तो 10 मीटर आपका इसका आ जाएगा. एंड आफ्टर दैट उसके बाद रेक्टेंगल का क्या होता है पेरीमीटर, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू कितना, इक्वल टू आपका हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 40, ये भी गिवन है क्योंकि दोनों की पेरीमीटर इक्वल थी, तो 2 से इसको कैंसिल कीजिए 40 को, 2 20 जा, तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा आपका 20, दैट मीन्स. और उनके जो एरिया का डिफरेंस है वो 9 स्क्वायर मीटर है, दैट मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की एरिया ज़्यादा है कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर रेक्टेंगल की बात करें तो लेंथ और ब्रेथ को जोड़ के 20 आ रहा है, ठीक है, या तो 19 होगी और ब्रेथ 1 होगा, 19 फिर या 18 या 2, 18 प्लस 2 ठीक है 20 आ रहा है, तो 18 टू या 36 एरिया 36 वाली. अगर वैसे देखा जाए तो हमारा अगर आप चेक करते रहेंगे बारी बारी से तो आप देखेंगे यहाँ पर लास्ट में आपका 10 या 100 से बड़ी एरिया आ रही है, तो 100 कब बन रहा है जब दोनों लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाए, दैट मीन्स स्क्वायर बन जाए, ठीक है. तो दैट मीन्स स्क्वायर की एरिया ज़्यादा आएगी, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना, 9 गिवन है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपने ऑलरेडी निकाल दिया, साइड अगर 10 है तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और इक्वल टू 9 को यहाँ पे लाइए, माइनस 9 इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को उस तरफ भेज दिया आपने, ठीक है. तो कितना रहा यहाँ पे, 91 इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ठीक है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बी इक्वल टू 91. अब इसके बाद ये आंसर आपका, आपको इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपके ऑप्शंस तो होंगे यहाँ पे, तो ऑप्शंस में 13 और 7 भी होगा कहीं ना कहीं, ठीक है. तो 13 आप चेक कर लीजिए, 13 एल की जगह पे 13 रखूंगा और बी की जगह पे 7 रखूंगा, तो 13 7 या 91, ये इक्वेशन जो लास्ट वाला इक्वेशन जहाँ पहुँचे हैं हम, 91 इक्वल टू एल इंटू बी, ये सेटिस्फाई हो रहा है. बाकी और जो ऑप्शंस हो गए उनमें से किससे भी ये सेटिस्फाई नहीं होगा, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके ऑप्शन में 13 और 7 होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा आपका 13.17 हो जाएगा. अदरवाइज फिर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन 1 से आपको फिर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है. फिर इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे इक्वेशन 2 में, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जिसको सॉल्व करने में थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो सकती है, ठीक है. बट जब यहाँ से हमारा डायरेक्टली आंसर आ रहा है तो भाई वी शुड अडॉप्ट सच अ लेंथी वे, ठीक है. होप दिस इज क्लियर.
Next question, find m. ये m होगा बस. Find m if 2/9 to the power minus 4. ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है. 2/9 to the power minus 4 into 2/9 to the whole power 1 equal to 2/9. इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हो सकता है. तो इसमें आपने किसकी वैल्यू निकालनी थी? 2^2 m minus 1 भी है यहाँ पे. तो m की वैल्यू हमने निकालनी है. तो आप देखिए एक्सपोनेंट्स के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे में दोनों में बेस सेम है, ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट सेम है, 2/9 और बीच में मल्टीप्लाई है. तो 2/9 टू द होल पावर माइनस 4 प्लस 1 हो जाएगा आपका, दैट मीन्स माइनस 3. पावर को ऐड कर दिया हमने और इस तरफ आपका 2/9 टू द होल पावर 2m माइनस 1 है और दोनों के बेस सेम है. तो पावर्स को कंपेयर कर लीजिए, पावर्स भी इक्वल होंगे. तो 2m माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा? माइनस 3 के बराबर. इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा? माइनस 1 को इस तरफ भेजिए, प्लस 1 हो जाएगा माइनस 2. तो 2 को अपॉन में भेज करके आपका m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 1. तो इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन होगा. ओके, होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम पॉसिबल मेजर ऑफ इच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन. तो ये इसका सीधे डायरेक्ट आंसर होता है 60 डिग्री. सबसे छोटा पॉलीगन जो बनता है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है. इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 60 डिग्री. सो 60 डिग्री ही इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स होगा आपका ये, ऑफ अ 2-डिजिट नंबर इज 9. मीन्स दोनों डिजिट का सम 9 है. इफ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट गेट्स रिवर्स्ड, फाइंड द नंबर. तो दैट मीन्स ये भी आपका ऑप्शन से बनने वाला क्वेश्चन है. तो इसमें कहीं ना कहीं आपका 63 कोई आंसर होगा. ठीक है, इस ये क्वेश्चन के कुछ ऐसे हो सकते हैं, 27 हो सकता है या 81 हो सकता है या 72 हो सकता है. इस टाइप से ऑप्शंस, 8+1 9 होता है, 2+7 9 हो सकता है. ठीक है, या 4-5 हो सकता है. इस टाइप से ऑप्शन में कुछ इस टाइप से हो सकता है. ठीक है, 2-3-4-5 या 5-5 हो सकता है. 5-5 तो इस ऑप्शन में देंगे नहीं क्योंकि वो रिवर्स करने में तो वही हो जा रहा है. ठीक है, तो इस टाइप से ऑप्शंस हो सकते हैं आपके इस तरह के. और कहीं ना कहीं 63 भी ऑप्शन में होगा आपका या 36 भी हो सकता है ऑप्शन में. तो लेकिन इसका आंसर 63 होगा. बिकॉज आप देख लीजिए, अब सारे ऑप्शंस में से आप देखिए सम ऑफ द डिजिट्स, इनमें सब में 9 हो रहा है. 2+7 7+2 9, 5+4 9, 6+3 9, 3+6 9. ठीक है, इफ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स गेट्स रिवर्स्ड. अगर मैं 63 वाले को आंसर मानता हूँ, सपोज माइनस 27 मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया इसमें से, तो कितना आ रहा आपका? 6, और इसको घटाए कितना आ गया? 3. दैट मीन्स पहले ये 63 था, अब ये बन गया 36. मीन्स इसके डिजिट्स जो है रिवर्स हो गए, उल्टे हो गए. देखिए आप, 6 की जगह पर 3 आ गया, 3 की जगह पर 6 आ गया. तो यही क्वेश्चन कह रहा था कि किस नंबर में से 27 घटाने पर कि उनके डिजिट्स क्या हो जाएं? रिवर्स हो जाएं. ठीक है, एक दूसरे को बदल दें. तो ये आप बाकी ऑप्शंस में भी 27 घटाइए तो किसी में ऐसा होगा नहीं. 27 का 72 नहीं बनेगा, ना ही 81 का 18 बनेगा. तो इसी प्रकार से अगर आप चार, इसमें चार ही ऑप्शन होंगे वैसे एग्जाम में आपके, तो चार ऑप्शन में से आप तीन ऑप्शन तो वैसे ही आप देख सकते हैं. घटाने पर ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, एंड यू कैन चेक आउट. ओके, सो इट इज़ माई पर्सनल रिक्वेस्ट फ्यू दैट जो भी बच्चे वगैरह उनके भाई या बहन, अगर 11 जनवरी को आपका काय का पेपर है, दिस इज जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम है फेज वन वाला, अगर कोई भी अपियर करने जा रहा है तो पेपर वगैरह मुझे सेंड कर लीजिएगा आप, ताकि मैं आपके आंसर की वगैरह जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कर सकूं. ठीक है, तो 9536438544, वंस अगेन यू कैन राइट डाउन माई व्हाट्सएप नंबर, इसको आप नोट कर लीजिएगा. अगर आपके कोई भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स या आपके फ्रेंड्स वगैरह कोई भी अपियर होने जा रहे हैं 11 जनवरी, जो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम है, तो उसका पेपर प्लीज़ मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रोवाइड कर दीजिएगा, ताकि मैं आंसर की आपको दे सकूँ. ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. द इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% and 20%. तो सपोज मान लीजिए कोई आइटम 100 रुपये का था, 100 में से 10% डिस्काउंट हुआ इसका. ठीक है, तो 10% मीन्स -10 किया हमने. 100 का 10% कितना होता है? 100 का 10% 10 ही होता है, तभी 10 माइनस कर रहे हैं हम. ठीक है, तो कितना आ गया? 90. अब वो 90 रुपीज़ का हो गया. फिर उसमें और डिस्काउंट हुआ. ठीक है, फिर माइनस करेंगे कितना इसमें से, कितना परसेंट? 20%. 20/100 किसका? 20% जो ये आपका बना है 90, क्योंकि 90 में आप डिस्काउंट आएगा. तो 90 का 20% हमने निकाला, 0000. तो कितना हो गया? 90 माइनस 18,
ठीक है, ये कितना बन गया आपका 18, घटाइए इसमें से, या उसे आपको घटाने की जरूरत नहीं है, आपका सीधे आंसर आ जाता है। पहले कितने रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ था, 10 रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ था, सॉरी 10% का डिस्काउंट हुआ था, अब कितना परसेंट बना आपका 18% का डिस्काउंट हो रहा है, दैट मीन्स टोटल 10 प्लस 18 कितना हो गया, 28% इसका आंसर हो जाएगा, 28% का ओवरऑल डिस्काउंट बन गया, क्योंकि पहले केस में 10% हो रहा था और उसके बाद 90 का फिर हमने 20% निकाला जो कि 18 आ रहा है, तो 10 प्लस 18 20%, ये आप उसको घटा लीजिए, घटाने के बाद फिर लेंदी होगा, ये 72 आ रहा है, फिर आप शुरू में 100 पे, अब यहाँ कहाँ पहुँच गए 72 में, तो 100 माइनस 72 कर लो तब भी आपका वही रिजल्ट आएगा, दैट इज 28, ठीक है, तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो जाएगा आपका 28% के बराबर। क्वेश्चन, ऑन सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लोथ अ पर्सन लूजेस अमाउंट, ये स्प्रिंग नहीं होगा मेरे ख्याल से, सेलिंग प्राइस होगा ये, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर क्लोथ, फाइंड द लॉस परसेंट, तो 33 मीटर क्लोथ को बेचने पर अगर एक आदमी बेचता है तो उसको कितना लॉस होता है, 3 मीटर क्लोथ को जितने रुपीज़ में बेचेगा उतने का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो लॉस परसेंट हमने निकालना है, तो देख लीजिए आप यहाँ पे मान लेते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लोथ 100 रुपीज़ मान लेते हैं, 1 मीटर क्लोथ का सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ है, तो 33 मीटर क्लोथ का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 3300, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर का अगर 100 रुपीज़ है सेलिंग प्राइस, तो 33 मीटर का 3300 हो जाएगा, और 3 मीटर का कितना हो जाएगा, 300 रुपीज़, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस है, तो उसको लॉस हो रहा है आपका, तो लॉस कितना हो रहा है, लॉस इक्वल टू कितना आपका, सीपी माइनस कितने बेचा, 3300 रुपीज़ का बेचा उसने 33 मीटर क्लोथ को, लॉस कितना हो रहा है आपका, लॉस हो रहा है 3 मीटर क्लोथ के बराबर, 3 मीटर क्लोथ को जितने बेचा उसके बराबर, तो 3 मीटर क्लोथ को कितने बेचा, 300 रुपीज में, तो 300 रुपीज लॉस हो गया उसको, और कॉस्ट प्राइस यहां से निकल जाएगी हमारी, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपका, 300 प्लस इसको इस तरफ लाएंगे 3600 रुपीज हो रहा है इसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है, तो लॉस हो रहा है इसको, लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है 3 मीटर क्लोथ को जितने में बेचेगा, जितनी उसकी सेलिंग प्राइस है 3 मीटर क्लोथ की उतने के बराबर लॉस हो रहा है, तो सीपी माइनस एसपी, और कब हो रहा है, कंडीशन वो गिवन है कि जब 33 मीटर क्लोथ को बेच रहा है, तो 33 मीटर क्लोथ का सेलिंग प्राइस है 3300, तो सीपी माइनस एसपी इक्वल टू लॉस हमने लगा दिया यहाँ पे, तो सीपी हमारी आएगी 3600, तो फाइंड इज लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस, लॉस कितने रुपीज़ का हो उसको, सीपी था 3600 और उसने बेचा था आपका 3300 में, तो 300 को घटाने पे आ गया 300 रुपीज़ का लॉस हुआ उसको, लॉस अपॉन सीपी, तो सीपी कितना था, 3600 इंटू 100%, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, काटिए इनको 0000 36, ओके अब कितना बचा आपके पास, 300/36, तो इसको काटेंगे आप किससे, चलो इसको काटते हैं हम 3 से, 3 12 36, 100 यहाँ पर आ गया, फिर और कट रहा है 4 से, 4 3 12, 4 25 100, तो 25/3 आ रहा है, तो 3 8 24, रिमाइंडर कितना बचा, 1 3 8 24, 1/3, 8 whole 1/3%, ये आपका आंसर हो जाएगा टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 5332 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द डेप्थ ऑफ द सिलेंडर, डेप्थ माने हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका, फॉर्मूला लगा दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 5332, तो पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, रेडियस आपका 16 है, 16 × 16 का स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 5332, तो 11 से काटने पहले, तो 11 से कटा नहीं कटा चेक कीजिए यहाँ पे, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 - 3 आपका 5 आ रहा है, आपका गलत बच्चे ने लिख दिया है, इसमें कोई ऐसा नंबर होगा जो यहाँ पे 11 से डिविजिबल होगा, सपोज कीजिए इसको हम बना लें 2 और इसको 3 2 5, इसको 6 कर लेते हैं, ठीक है, 5 6 3 2, 6 + 2 8, क्योंकि यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ भी आपका कितना, नहीं ये कुछ इस टाइप से कर लेते हैं, कोई नंबर ऐसे बना लेते हैं हम 5 6 1 0 कर लेते हैं, सपोज कोई ऐसा नंबर रैंडमली हमने बना लिया, 5 + 1 6, 6 + 0 6, मतलब ये 11 से डिविजिबल है, तो आप इसको काटेंगे 11 2 = 22, 11
फाइव जा 55, 11 वन जा 11 जीरो, ठीक है। इस टाइप से ही करिए, टू से फर्दर ही कट रहा है, टू टू जा 4, वन बचा, टू फाइव जा 10, फिर वन बचा, टू फाइव जा 10, तो फिर आपका एच कितना हो जाएगा 255। हालांकि ये नंबर एग्जाम में जो नंबर दिया होगा कोई डिफरेंट नंबर होगा, बट ये बच्चे ने कुछ अलग लिख दिया है यहाँ पे, और जो मैंने लिखा ये भी नहीं हो सकता है, जो नहीं कि यही हो, कुछ अलग नंबर भी हो सकता है। कह लीजिएगा प्रोसेस यही होगी आपको सॉल्व करने की, ठीक है। तो 255 इंटू 7 अपॉन 16 इंटू 16 आपका अपॉन में आ जाएगा, बट यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर होगा जो 16 से भी कैंसिल होगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा फर्दर, तो हालांकि इसको ज़्यादा कैलकुलेट करने तो कुछ है नहीं हमारे पास, क्योंकि कट कुछ नहीं रहे। तो यहाँ पे नंबर कुछ जो ऐसा दिया होगा ताकि ये 16 भी नीचे आपका कैंसिल होगा, ठीक है। तो लास्ट में आपकी हाइट आ जाएगी प्रॉपरली, इतना लेंदी नहीं होगा जो आपकी डेसिमल में आंसर आए या ऐसा है। तो क्वेश्चन इस तरीके से बने रहते हैं ताकि आपके कैंसिल वगैरह ईजिली हो जाए। तो यहाँ पर 5332 की जगह पर कोई ऐसा नंबर होगा जो आपका 11 से भी डिविजिबल हो और नीचे 16 से भी कट जाए, ताकि आपका आंसर ईजी तरीके से आ जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इनकम ऑफ ए कैपिटल ए होगा यहाँ पे, इज 60% मोर देन बी, 60% मोर देन बी कह रहा है, फाइंड हाउ मच आएगा यहाँ पे, हाउ मच परसेंट इज इनकम ऑफ बी इज लेस देन ए। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, इफ इनकम ऑफ ए इज 60% मोर देन बी, ए की इनकम जो है 60% मोर है बी की इनकम से, तो हमने क्या फाइंड करना है, हाउ मच परसेंट इज बी इज इनकम ऑफ बी लेस देन ए, मतलब इनकम ऑफ बी कितना परसेंट लेस है ए से। तो मान लेते हैं बी की इनकम 100 रुपीज, बी की जो इनकम है वो 100 रुपीज है, तो इनकम उससे कितना परसेंट ज्यादा है, 60%, तो 100 का 60% 60 होता है, तो 60 रुपीज ज्यादा हो गई, तो दैट मीन्स ए की इनकम हो गई 160 रुपीज, ठीक है। आप चेक कर लीजिए, आपने जो फाइंड करना है आप निकाल लीजिए। तो बोला हाउ मच परसेंट इज बी इनकम ऑफ बी लेस देन ए, तो इनकम ऑफ बी कितना लेस है, इसमें से देख लीजिए आप, इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ ए 160 रुपीज है, इनकम ऑफ ए 100 रुपीज है, तो 160 माइनस 100, तो मतलब 60 रुपये कम है, बी की इनकम जो है ए की इनकम से 60 रुपये कम है, अपॉन इनकम ऑफ ए इंटू 100%, तो ये आपका लेस जो भी है वो आ जाएगा यहाँ से, 60 इतना रुपया कम है, ठीक है। किससे, ए, ए की इनकम कितनी है, अपॉन मैं हमने लिख दिया 160, कैंसिल कीजिए 0000, इसको और फर्दर कैंसिल कर दो, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, यहाँ पर आप काट दीजिए 2 से 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 15 अपॉन 4%, बाकी इसको आप मिक्स प्रेशन में चेंज कर सकते हैं, तो इस आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 years ago if ages of person एज ऑफ पी हो गई, ठीक है, इज 3 times द एज ऑफ हिज सन, सॉरी पी नहीं, ठीक है, पर्सन ही है आपका, एज ऑफ अ पर्सन, एज ऑफ अ पर्सन इज 3 times हो गया आपका द एज ऑफ हिज सन, एंड हेंस आफ्टर 2 years ट्वाइस हिज एज इज इक्वल टू 5 times ऑफ हिज सन्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो देखिए यहाँ पे ये भी ऑप्शन से बने वाला क्वेश्चन, अगर ऑप्शन यहाँ पर होते तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, जो कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करती है उसको आप टिक कर लेते, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जिस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है ये जो क्वेश्चन का कंडीशन है वही इसका आंसर बनता है, बट इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 2 ईयर मान लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ फादर को एफ मान लेते हैं और प्रेजेंट एज ऑफ सन को एस मान लेते हैं, ये दोनों की प्रेजेंट एज है। 2 years ago, 2 years ago फादर की एज कितनी होगी, फादर की एज होगी -2 इज 3 times द एज ऑफ हिज सन, तो 3 times किसके, सन की एज 3, 2, 2 साल पहले सन की एज हो गई s-2, तो इसको सॉल्व करेंगे आप क्या आएगा, f-2 = 3s-6, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 को उस तरह भेजिए, 3s-6 + 2, तो -4 आ जाएगा, इक्वेशन 1 बन गया आपका ये, वैसे एक और इक्वेशन बनेगा, और एंड हेंस आफ्टर 2 years हिज एज इज 5 times ऑफ हिज सन्स एज, मतलब दो साल बाद फादर की एज f+2 हो जाएगी और सन की एज भी s+2 हो जाएगी, बट आफ्टर 2 years ट्वाइस ऑफ फादर्स एज विल बी इक्वल टू 5 times एज के बराबर, 5 times सन्स की एज हो गई s+2, तो इसको सॉल्व कीजिए, 2f+4 = 5s+10 आ गया आपका ही,
और इसको देखे जाए तो 2f माइनस 5s इक्वल टू 10 माइनस 4। इक्वेशन को आप सॉल्व करिए और यहाँ पे इक्वेशन वन से f की वैल्यू यहाँ पुट अप कीजिए, f की जगह पे 3s माइनस 4 लीजिए, तो f को हटा देते हैं यहाँ से। अब हम इक्वेशन टू में से f की जगह पे क्या लिखते हैं, 2 इंटू f को हटा दिया, इसकी जगह पे क्या लिख दिया 3s माइनस 4 माइनस 5s इक्वल टू 6। तो इसको आ जाएगा ब्रैकेट को तोड़िए कितना आ गया 6s माइनस 8 माइनस 5s इक्वल टू 6। तो 6s माइनस 5s s आ गया ही, 8 को उस तरफ भेजिए, 6 प्लस 8 कितना आ गया 14। तो सन की एज आ गई 14 ईयर्स। फादर इक्वेशन वन पुट कीजिए, फादर इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 इंटू s, s कितना रखा 14 माइनस 4, 14 3 जा 42 माइनस 4 दैट इज 38, 42 माइनस 4 इज 38। तो 38 और सन की एज कितनी हो जाएगी 14। तो होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 250 मीटर एंड 300 मीटर आर ट्रेवलिंग विद स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शंस, फाइंड द टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस ईच अदर, मीन्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वो कितने टाइम में। तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या बन जाएगी, दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, दोनों की स्पीड ऐड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो रिलेटिव स्पीड जो इनकी आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड विल बी 25 प्लस 30 दैट इज 55 किलोमीटर पर आवर, दोनों की स्पीड को हमने ऐड कर लिया और 55 किलोमीटर को पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने हैं, तो किससे इंटू करेंगे 5/18 से, ठीक है। तो ये कितना आ गया 5/25 किलोमीटर, सॉरी मीटर पर सेकंड आ गया आपका, ये मीटर पर सेकंड, ठीक है, स्पीड हो गई दोनों की रिलेटिव स्पीड। तो टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस ईच अदर विल बी इक्वल टू दोनों की जो आपका लेंथ है उनका सम 250 प्लस 3 अपॉन 275 अपॉन 18। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप, कितना आ जाएगा 550 इंटू 18 ऊपर आ जाएगा अपॉन 275, 275 टू जा कितना होता है आपका 275 टू जा 275 इंटू 2 कीजिए आप कितना आ रहा है 5 टू जा 10 15 2 टू जा 4 5 550 आ रहा है, तो कैंसिल हो गया 2 टाइम से, तो 18 टू जा कितना आ गया 36। तो 36 सेकेंड्स जो होगा यही इसका आंसर होगा। तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कितने टाइम में करेंगे 36 सेकेंड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी इज अ पैरेलोग्राम इन विच ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर वन ऑफ इज डायगोनल इज 5 सेंटीमीटर फाइंड इज हाइट, ठीक है। तो ए बी सी डी आपका पैरेलोग्राम है, यहाँ बना लेते हैं पैरेलोग्राम, एक ए बी सी डी इज अ पैरेलोग्राम, ए बी सी डी और ए बी कितना है इसमें, ए बी 7 सेंटीमीटर और बी सी भी 7 होगा, फिर सॉरी डी सी भी 7 होगा और बी सी 6 सेंटीमीटर है, तो ए डी भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके। और वन ऑफ इज डायगोनल, तो वन ऑफ इज डायगोनल है आपका कितना 5 सेंटीमीटर का, तो हमने हाइट निकालनी थी इसके। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका, एक एरिया ऑफ वन ट्राइंगल निकाल दो, आप नीचे वाला ट्राइंगल ही निकाल दो, कोई बात नहीं, ऊपर या नीचे, नीचे वाले एरिया ट्राइंगल के एरिया निकाल दी हीरोन्स फॉर्मूला से, को लगा देंगे इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इक्वल कर देंगे, तो आपकी इसकी हाइट आ जाएगी, ठीक है। एरिया निकाल दो इसको हीरोन्स फॉर्मूला से, एस कितना आ जाएगा, एस इक्वल टू 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 7 18, 18 अपॉन 2 दैट इज 9। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला से, रूट ऑफ एस एस माइनस ए 9 माइनस 6 3, एस माइनस बी 9 माइनस 7 2 और एस माइनस सी 9 माइनस 5 दैट इज 4 इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस आपका इसमें देखिए आप यहाँ पे देखें तो ये डी सी इसका बेस हो जाएगा और हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 7 इंटू हाइट कितनी हो गई हमने निकालनी है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा आपको, इसमें रूट हटाना है पहले, तो या पहले वैसे कर लीजिए आप, चेक कर लें 9 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2 ये बाहर आ गया, लेकिन रूट 6 ऐसे ही रहेगा अंदर में, 1 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू एच
ओके तो 2 को यहां भेज दीजिए आप लेफ्ट हैंड साइड में, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 रूट 6 हो गया आपका ये, इक्वल टू अपॉन में 7 को भेज दीजिए इस तरफ इक्वल टू h। अब हालांकि इसका डाटा के अकॉर्डिंग जो गिवन डाटा है इसके अकॉर्डिंग तो ये आंसर बनेगा, बट मुझे लगता है कि इसके डाटा कुछ अलग होंगे जिसके हिसाब से आंसर कुछ डिफरेंट आएगा, बट सॉल्यूशन सही है और क्वेश्चन ये भी गलत नहीं है, क्वेश्चन ये भी सही है, आंसर ये भी हो सकता है, हाइट कैन ऑल्सो बी इन रूट ऑल्सो, ठीक है ये जो नहीं किया अब ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है तो होप दिस इज क्लियर। तो हाइट इसके अकॉर्डिंग आप ये प्रोसेस ये रखेंगे तो आपका ये सॉल्यूशन इसका आ जाएगा, या इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाइट की जगह पे डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स ए बी एंड सी डी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके होप दिस इज क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 23 गिवन था, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए आप ए प्लस बी प्लस सी का ये आपको पहला इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, ठीक है तो इससे आपका रिजल्ट आ जाएगा ए प्लस सी कितना गिवन है 9, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने फाइंड करना है, तो और यहाँ आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू 81। तो अब इसकी वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 23 गिवन है, तो यहाँ रख दीजिए आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की 23 इक्वल टू 81। तो 23 2 जो कितना होता है 46, 46 को माइनस कर दीजिए 81 से, तो 81 माइनस 46 कितना आ रहा है 53, 35 आ गई, ठीक है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 35। होप दिस इज क्लियर, ठीक है तो ये सारे क्वेश्चंस मुझे पोस्ट करके बच्चों ने भेजे थे, तो इनके सारे सॉल्यूशंस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, तो ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे हो गए दो वीडियोस को मिला करके क्लास 9 की, तो काफ़ी क्वेश्चंस मिल गए, सो यू मस्ट हैव लाइक द वीडियो, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।